Hey students, welcome to your channel In Focus Study. In this video, we will discuss the answers of ECO 11, that is income tax. ठीक है, so paper ठीक ठाक आया था, tough नहीं था, सारे question book से आए हुए थे. ठीक है, numerical question भी आपके illustration है या फिर book से आए हुए थे. तो देखो, पहला question जो था, ये obvious बात है, compulsory आता ही आता है. ठीक है, so इसका ना half part जो है, इस point तक book से आया हुआ है. ठीक है, fifth point तक total एकदम book से दिया हुआ है इन्होंने. इसका answer मैं बता देता हूँ. ठीक है, half से बताऊंगा, बाकी दो तीन एडजस्टमेंट आप खुद से देख लेना. ठीक है, हाँ ये रहा, ये इसका एडजस्टमेंट है. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट तक पूरा डिटो ऐसा ही है. सो यहाँ तक आपने इतना किया है तो आपको ऑब्वियसली बात है 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे. इतने तक के आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं. ठीक है, तो 10 नंबर आप यहाँ से कवर कर सकते थे. ठीक है, बाकी बुक से अगर किया होगा तो आपने. बाकी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूट द एग्जम्प्टेड ग्रेजुटी अंडर सेक्शन 10-10-11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, तो इसका भी आंसर मिल गया है. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ इसका आंसर आपको. हाँ ये रहा. ठीक है, तो इसका आंसर ये आया हुआ. ठीक है, तो इसको आप मैच करके आंसर लिख सकते हो. ठीक है, ये इसका आंसर. ठीक है, सो ये भी बुक से था, इलस्ट्रेशन 9 था. इसको भी आप देखते थे, सेम क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, ये तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी कवर हो गया. अब आते हैं सेकंड के बी पे. नेम एनी फोर अलाउंस विच आर पार्शियली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें ऐसे इनकम बताए थे जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं, पार्शियली एग्जेम्प्टेड होते हैं और फुल्ली टैक्सेबल होते हैं. तो पार्शियली एग्जेम्प्टेड में कौन कौन से इनकम आएंगे? आपके ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. ठीक है, देखो ये तो लिखना ही था कौन से होते हैं और कितने तक एग्जेम्प्ट होते हैं. लाइक 100% पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रन. फिर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में भी, ठीक है, 300 पर मंथ का पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम चाइल्ड ऑफ टू. ठीक है, तो ये सब आपको 4-5 थे, आपको ये लिखने थे. ठीक है, आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन कवर हो गया पूरा. अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, ये पीछे प्रीवियस सेमेस्टर में भी आया हुआ था. ठीक है, जून वाले जो एग्जाम हुए थे, लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, सो आप इसका आंसर मैच कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ. ठीक है, उसी में एक आया था, डिस्कस था रेजिडेंशियल स्टेटस. मैंने बताया था रेजिडेंशियल स्टेटस कन्फर्म आता है. ठीक है, चेंज करके आता है, लाइक इंडिविजुअल HUF, तो इस बार कंपनी का आ चुका था. ठीक है, सो मैं इसका आंसर भी मैच करवा देता हूँ आपको. ये था इसकी, इसका आंसर आएगा 1,90,000. जिसका ये आया उसका बिल्कुल ठीक है, ये भी बुक से क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है. ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन जो था, हाँ कंपनी वाला, तो ये आपका देखो ये Unit 3 से आया हुआ है. ठीक है, कंपनीज ये आपको लिखना था. इसके में इसमें दो केसेस होते हैं, या तो इंडियन कंपनी हो या फिर कोई नॉन इंडियन या नॉन रेजिडेंट कंपनी हो. ठीक है, तो आपको अच्छे से लिख देना था. अगर याद होगा तो आपने लिख दिया होगा, बना के भी लिखा होगा तो कोई बात नहीं. ठीक है, मेन है आप न्यूमेरिकल कितने सही करते हो. जिसने न्यूमेरिकल किया होगा उसके ऑब्वियस बात है नंबर नहीं कटने वाले, जो नहीं किया होगा उसके चांसेस होते हो बट कर सकते हैं. फिर व्हाट डू यू मीन बाई प्रोविडेंट फंड? इजी क्वेश्चन है, मैंने वीडियोज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. सारी वीडियोज़ में प्रोविडेंट फंड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको करके जाना है. डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड. लाइक तीन टाइप के होते हैं, रिकॉग्नाइज, अनरिकॉग्नाइज, सेचुएटरी, फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड. ठीक है, तो ये सब आपको लिखना था. फिर उसके बाद एक्सप्लेन एनी 12 आइटम विच कैन बी इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मैंने हर वीडियो में इसके भी आंसर बता रखे हैं. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉटरी हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, ठीक है, ग्रेजुटी हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो इसमें आप लिख सकते थे. ईजी क्वेश्चन था काफ़ी. बाकी शॉर्ट नोट्स में कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं जो मैंने निकला. लाइक पार्शली एग्रीकल्चर इनकम बहुत अच्छे समझाया है. ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ये भी मैंने बता रखा है. ठीक है, तो होप्स आपका पेपर ठीक गया. और ठीक है, हमने जो क्वेश्चन किए थे उससे देखो थ्योरी की हमने गारंटी दी, थ्योरी वही आए थे. ठीक है, थ्योरी कुछ अलग नहीं आया था. बाकी न्यूमेरिकल आपने अगर प्रैक्टिस की होगी अच्छे से वो आ गया होगा, नहीं की होगी तो राम भरोसे. ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि सब बच्चे इस बार पास हो जाएंगे क्योंकि बहुत लोगों की बैक आई थी. होप्स आप पास हो जाए. अपना बता सकते हैं आपने कितने नंबर के किए हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. अगर वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जिसके आंसर मैच करने हैं. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.